तो अगर हम टूल्स की बात करते हैं तो ऐसे कुछ टूल्स हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जिसके बिना आप कभी भी कोई हेयर स्टाइल नहीं कर पाओगे। वो टूल्स आपके पास होने ही चाहिए और उसमें जो सबसे पहला है वो है बॉबी पिंस, यू पिंस, सेक्शन क्लिप्स। ठीक है, सो हम यहाँ पे हमने इस तरह से एक बनाया हुआ है लाइक दैट। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, होपफुली सबको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस आर दोज वेरी स्मॉल पिंस एंड दिस पिंस यू कैन यूज अगर फ्रंट में हम लोग कोई पीस डालते हैं, छोटे छोटे टियारा या छोटे छोटे फ्लावर्स फ्रंट पे डालने हैं तो हमें ये यूज होता है। उसके बाद ये अगेन स्मॉल पिन है जो अगेन हेयर एक्सेसरीज में यूज होती है। उसके बाद ये मीडियम पिन्स हैं, ये दोनों हम मीडियम पिन कहते हैं। सो मीडियम पिन हमारे हेयर स्टाइल को होल्ड करने के लिए भी यूज होती है। उसके बाद अगर कोई फ्लावर या वेनी लगाते हैं उसके ऊपर भी यूज होती है। और ये थोड़ी सी बड़ी पिन्स है, देखो ये बड़ी है और ये जम्बो पिन है। और बड़ी और जम्बो पिन ऑलवेज हेयर स्टाइलिंग में ही यूज होती है। अगर हेयरों को होल्ड करना है या हेयर में कोई हेयर स्टाइलिंग बनानी है या आपके क्लाइंट वगैरह डांस करते हैं, नाचते हैं, या सुबह से आप हेयर स्टाइल कर रहे हो, शाम तक हेयर स्टाइल को एज इट इज रखना है, तो आपको इस तरह के बड़े पिन्स यूज करने होंगे। सो जो होल्डिंग कैपेसिटी है इस पिन की वो बहुत ज्यादा है एंड दिस इज अ मीडियम एंड दिस इज वेरी स्मॉल। सो व्हेन यू हैव समथिंग विच यू वॉन्ट टू अटैच स्मॉल या उसको ज्यादा टिकाना नहीं है तो यू कैन यूज दिस। बट अगर आपको हेयर को अच्छे से टिकाना है तो आपको डेफिनेटली बड़े बॉबी पिन्स ही यूज होंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यू पिन्स हैं। यू पिन्स अगेन जूड़े में यूज होते हैं, एक्सेसरीज में यूज होते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट हम यहाँ पे जो ये फर्स्ट देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड इनविजिबल, ये इनविजिबल यू पिन है। और इनविजिबल यू पिन में ऐसा होता है कि ये यू पिन आप कहीं पे भी मोड़ सकते हो, यहाँ वहां मोड़ सकते हो। इनविजिबल यूपिन बहुत ज्यादा अगर हम देखेंगे यूज होती है फ्रंट में। अगर कोई बाल ऐसे ऊपर है तो उस बाल को नीचे करने के लिए, बिठाने के लिए हम इनविजिबल यूपिन यूज करते हैं। मोस्टली काफी ऐसी चीजें जहां पे पिंस दिखनी नहीं चाहिए वहां पे हम यूपिन ये वाली यूज करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये भी एक छोटा सा यूपिन है। ओके, ये यूपिन भी मोस्टली हम गजरे में यूज करते हैं या कोई हमने एक्सेसरीज लगाया है, ब्रोच लगाया है तो ब्रोच को सेट करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये जो दो हैं 1 और 2, दिस 2, ये दो जो यूपिन्स हैं ये यूपिन मोस्टली हम यूज करते हैं हेयर स्टाइलिंग में। अगर आपके पास कोई बड़ा हेयर स्टाइल करना है, आप फ्रेंच रोल जैसे हेयर स्टाइल कर रहे हो और उसमें कुछ कुछ बालों को आपको टिकाना है तो आप ये यूज कर सकते हो, जूड़े में यूज कर सकते हो, उसके बाद एक्सटेंशन में यूज कर सकते हो। अगर आपका वेल लगा रहे हो बालों में आर्टिफिशियल या रियल गजराज लगा रहे हो, रियल रोज लगा रहे हो, तो उन सबको टिकाने के लिए आपको इस तरह के मीडियम टाइप के यूपिन यूज होंगे जो स्टिफ भी होते हैं, बहुत पतले नहीं है, मटेरियल बहुत ही अच्छा है इनका इस तरह से। और ये यूपिन लगाने के बाद बालों में ग्रिप भी बहुत अच्छी बैठती है। इसका रीजन है कि ये जो सारे यूपिन्स हैं, ये यूपिन्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे zigzag है, दिस इज अ zigzag, और आप हमें ऐसा ऑलवेज ऐसे zigzag वाले यूपिन्स लेने चाहिए ताकि ये बालों में अच्छे से ग्रिप बैठ जाए, क्योंकि ये अगर प्लेन होता है तो कभी कभी बालों में से बाहर निकल जाता है। देन हम यहाँ पे देखेंगे आगे ये तीन वाले जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ बिग वन, दिस इज ऑल्सो वेरी बिग यूपिन, दिस इज हम एकदम जम्बो यूपिन बोल सकते हैं। अब ये दो यूपिन के जो आप देखेंगे कि लेंथ है, लंबाई सेम है, बट ये क्या है, ये थोड़ी पतली है, ये थोड़ी मोटी है। ये जो सारे यूपिन्स हैं वो ऑलमोस्ट हेयर स्टाइलिंग में नहीं यूज होते हैं, बट ये यूपिन्स होल्डिंग के लिए यूज होते हैं। होल्डिंग मतलब अगर आप कोई इंटरनेशनल हेयर स्टाइल कर रहे हो या आप ऐसा कुछ कर्व बना रहे हो और कर्व को आपको होल्ड करना है तभी ये यूपिन यूज होते हैं। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट आपको हेयर के अंदर ये होल्ड करना होता है, फिर आप उसको निकाल देते हो तो बाल एज इट इज बैठ जाता है। सो ये तीनों यूपिन मोस्टली हम इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग जब करते हैं तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जब बालों को मोल्डिंग देना है, कोई शेप देना है, तो ये बहुत अच्छे से यूज होती है। सो बॉबी पिन एंड यू पिन सबसे ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट आप ये बॉबी पिन भी देखोगे
तो अगर ये पूरी प्लेन वाली है, इसमें भी अगर आगे जिगजैग नहीं है तो अच्छे से ग्रिप नहीं बैठती है। सो आपको यू पिन हो या बॉबी पिन हो, आगे से ग्रिप वाली मतलब जिगजैग जैसे हो थोड़ी सी, वैसी लेनी है, एकदम स्ट्रेट वाली बिल्कुल नहीं लेनी है। उसके बाद हम और आगे के टूल की बात करेंगे। देखिए ये सारे सेक्शन क्लिप्स हैं, इसको कहते हैं सेक्शन क्लिप्स। अब ये इस तरह के होते हैं, ये देखिए छोटे वाले सेक्शन क्लिप्स, मतलब अगर छोटे छोटे बाल आगे के कुछ होल्ड करने हैं हेयर स्टाइलिंग करने के टाइम तब ये यूज होते हैं। ये प्लास्टिक वाले सेक्शन क्लिप्स हैं, ये मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर हेयर कटिंग या मतलब सलॉन्स में ज्यादा यूज होते हैं, बट ये आपके पास भी रख सकते हैं जब आप किसी क्लाइंट का कर्ल्स कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, और आपके बड़े बड़े सेक्शन करने के लिए ये बहुत ज्यादा काम आता है। आपके हेयर अच्छे से होल्ड हो जाते हैं ताकि आप पीछे के हेयर में बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल कर सकते हो। ये इसका कलर है, ये सारे उसके टाइप ही है, छोटे बड़े मीडियम जो होल्ड करने के लिए यूज होता है। और ये देखिए ये है स्टील वाले पिन्स। अब ये जब हेयर स्टाइल की बात आती है तो ये स्टील वाले पिन बहुत यूज होते हैं, क्योंकि ये ना बालों में बहुत अच्छे से इस तरह से ग्रिप बिठा लेते हैं, प्रॉपर ग्रिपिंग आ जाता है, बाल एकदम अच्छे से पकड़ में आ जाते हैं। सो जो बाल आपको नहीं चाहिए वो बालों को ऊपर करके आप इस तरह से अगर स्टील की पिन लगा ले तो नीचे के बाल बहुत अच्छे से ग्रिप, यू नो आप हेयर स्टाइल कर सकते हो और बाल यहाँ वहाँ नहीं होंगे, नीट एंड क्लीन लुक आ जाता है। तो इसमें ये साइज है, लाइक छोटा बड़ा मीडियम आप देख सकते हैं, दिस इज अ बिग, ये मीडियम छोटा और उससे एकदम छोटा मिनी वाला है। सो इस तरह के हम यहाँ पे सेक्शन क्लिप्स देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये दो चीजें देख रहे हैं, दिस वन एंड दिस टू, ये एक्चुअली चॉपस्टिक जैसा ही है, दिस इज चॉपस्टिक हम जिसको बोल सकते हैं, जैसे हम नूडल्स वगैरह खाते हैं। ये इतना बड़ा लकड़े का जो होता है उसका यूज भी एक्चुअली हेयर को होल्ड करने के लिए होता है। जब आप इंटरनेशनल हेयर स्टाइल में रोज बनाते हो, वेव्स बनाते हो, तो उस वेव्स को वैसे बनाने के बाद 10-15 मिनट टिकाना पड़ता है, तो उसके लिए इतने बड़े बड़े यू नो चॉपस्टिक्स हम यूज करते हैं लकड़े के पिंस, ताकि वो लगा दें और वो शेप एज इट इज मेंटेन रहे 10-15 मिनट तक। उसके ऊपर स्प्रे लगा देते हैं ताकि जब आप वो निकालो तो भी आपका हेयर वैसे ही रहना चाहिए वैसे जैसे आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं। और ये वाली जो चीज है, दिस वन, इसको हम जो सुई धागा होता है ना, सुई धागा हम जो यूज करते हैं उसका ये प्लास्टिक का वर्जन है। इसमें डाल के हम बहुत अच्छे से मांग टीके को यू नो स्टिक कर सकते हैं। स्पेशली आप हमारे हैक्स भी देख सकते हैं कि हम मांग टीका जो होते हैं, मांग टीका में हम पीछे धागा बांध देते हैं और इस धागे को ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पे एक यू नो गैप रहेगा, वहां पे हम धागे को डालते हैं और इसके बीच में से, हेयर स्टाइल के बीच में से हम वो पूरा पास ऑन करते हैं और पीछे वहां पे पिन लगा देते हैं। तो ये आपको यूज होता है स्पेशली मांग टीका लगाने के लिए। आप एक ये वाला टूल्स भी देख रहे हैं, ये वाला, ये टूल एक ऐसा टूल है जो बहुत टाइम एक हेयर स्टाइल में यूज होता है, जब एक बाल को दूसरे बाल में से बाहर निकालना होता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसे निकालना होता है तब ये यूज होता है। काफी हेयर स्टाइल स्पेशली इंटरनेशनल या लूज मेसी हेयर स्टाइल्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। सो दिस आर द टूल्स विच यू कैन यूज, और ये टूल्स अगर आपके पास है तो आप कोई भी हेयर स्टाइल अच्छे से कर सकते हो। सो यू कैन टेक वन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस इज रियली गुड वन। उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड चीज देखेंगे कि आपके पास कौन से टाइप के कोम होने चाहिए, कोम कितने टाइप के होते हैं, कैसे होने चाहिए। तो उसका भी हमने यहाँ पे एक इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने स्टिक कर दिए हैं। अब इसको कहते हैं जी कोम, ये आपका नॉट्स निकालने के लिए बहुत अच्छे से काम आता है। सो दिस इज अ जी कोम जो हम यूज करते हैं, ये भी जी कोम है लेकिन इसमें हैंडल है, हैंडल से अच्छे से आप कोम हेयर में से नॉट्स निकाल सकते हो। देन हम यहाँ पे देखेंगे टू टाइप के टेलकोम। एक टेलकोम होता है जिसका जो पीछे का जो ये पार्ट है, टेल है जिसका, वो प्लास्टिक का बना हुआ है, और एक टेलकोम देखेंगे जिसका पीछे का पार्ट है वो स्टील का बना हुआ है। सो ये वाला जो है, आपको कभी कोई शार्प मांग निकालनी होती है या जिसमें सेक्शंस एंड पार्टीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आप डेफिनेटली ये वाला यूज कर सकते हो। एंड नॉर्मल जिगजैग भी निकालना है तभी भी ये यूज होता है। और अगर हम ये वाले कोम की बात करेंगे तो ये आप नॉर्मली कोई भी हेयर स्टाइल में यूज कर सकते हो। काफी हेयर स्टाइलिस्ट ये वाला कोम यूज करते हैं, काफी ये वाला, खुद की अपनी अपनी चॉइस होती है, बट इस तरह से टेलकोम हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो कोम है,
दिस फॉर्म, इसका जो आगे का पार्ट है वो टेलीकॉम की तरह होता है लेकिन पीछे इस तरह से स्टील के गैप्स लगाए हुए हैं कोक की तरह। अब ये यूज होता है जब आप इंटरनेशनल हेयर स्टाइल्स करते हो तो हेयर स्टाइल करते करते आपके बाल उलझ जाते हैं, जैसे हम ब्रेड करते हैं या ऐसे पुलिंग यापिंग करते हैं तो करते करते ही हमारे बाल उलझ जाते हैं, तो फिर से ये पीछे की साइड से उसमें से नॉट्स निकालने के बाद फिर से हम आगे की हेयर स्टाइल स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो पीछे का पार्ट है वो हेयर को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे से यूज होता है कि हेयर स्टाइल करते करते आप मैनेज करते जाओ और आगे के स्टेप करते जाओ, मैनेज करते जाओ और आगे के स्टेप करते जाओ। और यहाँ पे ये वाला कॉम है जो फिर से यूज होता है बैक कॉमिंग के लिए। काफी लोगों को ये कॉम से बैक कॉमिंग नहीं जमती है तो वो क्या करते हैं, ये वाला कॉम यूज करते हैं और इससे बैक कॉमिंग करते हैं तो इससे बाल बहुत अच्छे से उलझ जाते हैं। बैक कॉमिंग मतलब क्या है, बालों को उलझाना, सो इससे बहुत अच्छे से बाल उलझ जाते हैं। सो इस टाइप के कॉम, देखो इतने कॉम आपके पास होने चाहिए ताकि इससे भी आप बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक आपको दिखाऊंगी, दिस इज अ पैडल ब्रश, नाइस पैडल ब्रश यू कैन से। सो यहाँ पे दो टाइप के पैडल ब्रश है, दिस एंड दिस, बोथ इज गुड। हम जितने भी कॉम यूज करते हैं या पैडल ब्रश यूज करते हैं वी जनरली यूज आइकॉनिक ब्रांड के हम यूज करते हैं। आइकॉनिक इज अ रियली गुड वन, उसके कॉम अच्छे होते हैं, उसके सेक्शन क्लिप अच्छी होती है, एवरीथिंग इज रियली गुड। सो ये टाइप के यू नो पैडल ब्रश होते हैं। अब ये पैडल ब्रश क्या करते हैं, बहुत अच्छे से आपके हेयर में से नॉट्स भी निकाल देते हैं, डमी के बालों को भी अगर ठीक करना है तो ये सही होता है। उसके बाद जब हमने कभी बैककॉमिंग की है और बैककॉमिंग में से कॉम में से फिर से उसको सीधे हेयर बना लेने हैं तब भी पैडल ब्रश बहुत अच्छे से यूज होता है। सो आई विल प्रेफर कि जब आप रियल हेयर में काम कर रहे हो तो आप जी कॉम यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप डमी के ऊपर काम करते हो तो पैडल ब्रश आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि पैडल ब्रश से क्या होता है बाल ज्यादा टूटते नहीं है और बाल में से नॉट्स बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। और ये ब्लो ड्राई के लिए भी काम आता है, जब आप ब्लो ड्राई करते हैं तो स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के लिए, बालों को नीट एंड क्लीन करने के लिए भी पैडल ब्रश काम आता है। सो आपके पास एक पैडल ब्रश भी होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज अ राउंड ब्रश, इसको हम राउंड ब्रश कहते हैं। ये अगेन ब्लो ड्राई में यूज होता है, ब्लो ड्राई में जब बालों को एक्सट्रीम स्ट्रेट करना है या बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, वेवी हैं, तो वहां पे ये यूज होता है। उसके बाद बालों में नीचे से हल्का सा सॉफ्ट कर्ल्स का लुक देना है तभी भी इस तरह के यू नो कर्लर यूज होते हैं। दिस इज अ राउंड ब्रश, कर्लर ब्रश यू कैन से, एंड ये भी आइकॉनिक ब्रांड का है। जितना आप यू नो अच्छी क्वालिटी का यूज करोगे उतना आपको 2-3 साल चलते रहेगा। सो दिस इज दैट वन। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे रबर बैंड्स, दिस आर द रबर बैंड्स, ऐसे हम रबर बैंड के पैकेट्स रहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दो टाइप के रबर बैंड है, एक ब्लैक कलर का है और एक इनविजिबल है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। वी जनरली प्रेफर ब्लैक कलर के रबर बैंड क्योंकि हमारे हेयर ब्लैक होते हैं, बट अगर आप डमी के ऊपर कर रहे हैं तो आप इस तरह के इनविजिबल भी यूज कर सकते हैं।